उधम सिंह नगर पुलिस ने पकड़ा महिलाओं को बेचने वाला गिरोह। मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा किए गए घोषणा से गुस्साए लोगों ने किया मुख्यमंत्री का पुतला दहन। केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया में उधम सिंह नगर को मिला तीसरा स्थान। गदरपुर पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को 270 ग्राम चरस के साथ किया गिरफ्तार। गदरपुर में विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आरके महाजन ने की हिंदू कर्मचारियों को छुट्टी देने की मांग। उधम सिंह नगर के एसएसपी सैंथिल अबुदई ने बताया कि बरेली निवासी रामकुमार नाम के एक व्यक्ति ने कुछ समय पहले रुद्रपुर के खेड़ा निवासी अपने दामाद प्रदीप पर पत्नी को बेचने का आरोप लगाया था। आरोप था कि प्रदीप जबरन पत्नी पर दबाव डालकर उसकी दूसरी शादी करा रहा था। यह रिश्ता राजस्थान में तय किया गया, वहां उसने पत्नी को कुंवारी बताया था। किसी तरह इन लोगों के चंगुल से बचकर रामकुमार की बेटी भाग निकली। इसके बाद पुलिस ने जांच की तो पता चला कि प्रदीप की तरह उसके ममेरे भाई सोनू ने भी अपनी पत्नी को दूसरी शादी के लिए भेज दिया था। इस पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के राजस्थान में दबिश देकर 7 लोगों को गिरफ्तार किया। एसएसपी ने बताया कि 2 महिलाओं को इन लोगों ने 1,25,000 रुपए में बेचा था। पुलिस के द्वारा पकड़े गए इन लोगों से करीब 24,000 रुपए भी बरामद किए हैं। इसमें जो है 16/12/2016 में जो है हमारा वादी जो श्री राम कुमार जो है बरेली में अपने क्षेत्र का थाने में जाकर शिकायत की थी कि इनका लड़की को जो है इधर प्रदीप करके व्यक्ति के साथ शादी किया गया है। अभी लड़की मिल नहीं रही है और पूछने पर जो है प्रदीप गोलमोल जवाब दे रही है। फिर बरेली पुलिस जो है जो प्रदीप जो है रहने वाले खेड़ा का है इधर रुद्रपुर का हमसे संपर्क किया है। फिर हमने जो है उनको वादी को लेकर जाके हमने पूरा तस्दीक किया तो फिर इस पर पता चला कि प्रदीप और सुनील जो है इन दोनों अपने अपने बीवी को लेकर राजस्थान में इनको पुनः शादी करने के लिए दूसरा शादी से करने के लिए लेकर चले गए। इसमें जो है पुष्पा गुड़िया और आशा और राजेश यादव इन लोगों का भी सम्मिलित आ करके फिर अभी जो है दोनों लड़कियाँ जो है हमने सकुशल बरामद कर लिया गया है। और इसमें जो भी सम्मिलित अभियुक्त है प्रदीप है सोनू है आशा है पुष्पा है गुड़िया है इनका हमने गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई किया है। इनका लगभग जो है ये दोनों महिलाओं को जो है इन्होंने 1,25,000 रुपया का जो है सौदा हुआ है उसमें भी हमने लगभग 24,000 रुपया हमने इनसे बरामद भी किया है। उत्तराखंड में जुम्मे की नमाज के लिए मुस्लिम समाज के लोगों को कांग्रेस सरकार द्वारा 90 मिनट का सरकारी अवकाश देने की घोषणा से गुस्साए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हरीश रावत का पुतला दहन कर आक्रोश जताया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री हरीश रावत राज्य में त्रुटिकरण की राजनीति कर वोट बटोरना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जुम्मे की नमाज के लिए मुस्लिम समाज को 90 मिनट का सरकारी अवकाश देकर हिंदू समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के हर हिंदू को जिस बात की चिंता थी इस बात को खुद हरीश रावत की कांग्रेस सरकार ने जग जाहिर कर बता दिया कि वो वोट बटोरने के लिए यह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार वोट हासिल करने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है। आज कांग्रेस ने 90 मिनट का अवकाश दिया है, कल को वह पूर्ण के अवकाश की घोषणा भी कर सकती है। भाजपा सांसद के प्रतिनिधि विकास शर्मा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी और सरकार सबसे पहले हरीश रावत की इस जुम्मे की नमाज की घोषणा को बंद करने का काम करेगी। आज यहाँ पर सारे हिंदुओं के अंदर आक्रोश है, किस तरह से यहाँ पर खाली वोट बैंक की राजनीति के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री ने खाली मुस्लिम समुदाय के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको विशेष उनके नमाज अदा करने के लिए जिस तरह जो छुट्टी प्रदान की है उसके लिए यहाँ पूरी जनता में आक्रोश है। क्या हिंदुओं के त्यौहार नहीं होते? क्या हिंदुओं के सोमवार मंगलवार शनिवार क्या इनके देवी देवताओं के लिए इनको अपने मंदिरों में नहीं जाना होता है या लोगों के व्रत नहीं होते हैं? अगर मुख्यमंत्री वास्तव में ही वो
धर्म के प्रति अगर उनकी रुचि थी तो उनको सब धर्मों के लिए ये नियम लागू करना चाहिए था कि जिसको भी अपने धर्म के अनुसार अपने मंदिर में जाना है, पूजा अर्चना के लिए जाना है, वो अपनी विशेष छुट्टी लेके जा सकता है। लेकिन उसने खाली इस चुनाव को देखते हुए मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर मुस्लिम समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए एक सिर्फ खाली समुदाय विशेष के लिए उन्होंने योजना बनाई है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और उसी के तहत आज यहाँ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सब लोग मिलकर यहाँ पर आज पुतला दहन कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर इसके बाद भी अगर इस जो इन्होंने जीओ को लागू किया है समाप्त नहीं करता तो निश्चित तौर पर अब आचार संहिता लगने वाली है। अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले ये जो उन्होंने ये छुट्टी दी है इस छुट्टी को भारतीय जनता पार्टी बंद कराएगी। केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया में उधम सिंह नगर जिले को देश में तीसरा स्थान प्राप्त कर सिल्वर मेडल हासिल हुआ है। जनपद की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिकारियों की टीम और समय पर सूचना देने वाले अधिकारियों ने ये गौरव दिलाया है। देश के 500 जिलों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। दिल्ली में सम्मानित होने के बाद रुद्रपुर पहुंचे उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी चंद्रेश कुमार यादव ने बताया कि डिजिटल इंडिया 2016 के जिला लेवल के कॉम्पिटिशन में उधम सिंह नगर को देश में तीसरा स्थान यानी सिल्वर ट्रॉफी प्राप्त हुई है। देश के 587 में से 500 जिलों ने केंद्र के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया था। गोवा के नारथावाद प्लैटिनम, जम्मू कश्मीर के कुब्बाड़ा गोल्ड सेकंड और उधम सिंह नगर को सिल्वर तीसरा स्थान मिला है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने दिल्ली में विज्ञान भवन में विजयी जनपदों को ट्रॉफी प्रदान की। जिले की ओर से डीएम चंद्रेश कुमार यादव ने ट्रॉफी ग्रहण की। डीएम का कहना है कि इसके लिए जिले की आईटी टीम के अलावा वो अधिकारी भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने समय से सूचनाएं उपलब्ध कराई। उन्होंने जिले के लोगों को आह्वान किया है कि भीड़ की जगह वो जिले के वेबसाइट से सूचनाएं पाने का आह्वान किया। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2016 भारत सरकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया अवार्ड है, जिसमें इस साल पहली बार इस अवार्ड को डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में के लिए भी अवार्ड रखा गया था, जिसमें जनपद उधम सिंह नगर अक्रॉस द कंट्री तृतीय स्थान पर आया है, जिसके लिए 19 दिसंबर को विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसमें जनपद उधम सिंह नगर की पूरी टीम को अवार्ड प्रदान किया गया, सम्मानित किया गया। रूप से ये एक अचीवमेंट है डिस्ट्रिक्ट के लिए, लेकिन हमारे साथ हमारे अचीवमेंट के साथ साथ एक चैलेंज भी है। अगर हम तृतीय स्थान पर आए हैं, सिल्वर कैटेगरी में हमें बेबरतना डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है, तो इसको हमें गोल्ड और प्लेटिनम के लिए प्रयास करना है। अपनी वेबसाइट को कितना हम यूजर फ्रेंडली बना पाते हैं, पब्लिक के लिए कितना आसानी से एक्सेसिबल बना पाते हैं, और डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन है कितनी सुगमता से और कितनी तेज़ी से हम इसको अपने प्लेटफॉर्म पर होम पेज पर अपलोड कर पाते हैं, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि हम अपने कितना अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हैं। गदरपुर जानकारी के अनुसार उप निरीक्षक कुलदीप अधिकारी बीती रात्रि करीब 10 बजे सिपाही बलवंत सिंह, हेमंत सिंह और ध्यान सिंह के साथ दिनेशपुर रोड पर गश्त पर थे। वहां ग्राम बड़ा खेड़ा के सामने मुकंदपुर डेरा को जाने वाले मार्ग पुलिया के किनारे उन्हें एक युवक दिखाई दिया। पुलिस टीम ने युवक को रोकने का इशारा किया तो वो भागने लगा, जिस पर पुलिस कर्मियों ने पीछा कर युवक को दबोच दिया। पकड़े गए युवक की तलाशी लेने पर उसके पास से 270 ग्राम चरस बरामद हुई। पकड़े गए युवक ने अपना नाम विजय कुमार पुत्र मठरूलाल बताया है, जो काफी अरसे से नशीले पदार्थ की तस्करी में लिप्त रहा है। पुलिस ने आरोपी विजय कुमार के खिलाफ NDPS के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया था। थानाध्यक्ष प्रभात कुमार ने बताया कि पकड़े गए युवक से की गई पूछताछ के आधार पर उसके स्थानीय मददगारों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है और जल्द ही उनको भी जेल भेज दिया जाएगा। जहांपुर का रहने वाला है विजय कुमार और ये 250 ग्राम के लगभग 270 ग्राम के लगभग इस तरह इसके पर्दे से पकड़ लिया गया। दिनेशपुर रोड में अंशु एग्रो सीड्स का एक प्लांट है, उसके पास ही इसको चेक किया गया हमारे दरोगा जी कुलदीप सिंह द्वारा जो है, तो वहाँ पर इसके पास से ये स्मैक मिली है, जिसमें इसके विरुद्ध मुकदमा कायम करके इसे जेल भेजा। तो अब हम नहीं बता सकते अफीम का हम इतनी कीमत के बारे में, अभी जो मार्केट में चल रहा है उसके बारे में
अभी इतनी जानकारी नहीं है, मगर ये चीज़ें तो सब महंगी होती हैं, याद रखते। गदरपुर में विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आर के महाजन ने की हिंदू कर्मचारियों को मंगलवार की छुट्टी देने की मांग। एक प्रेस वार्ता में डॉक्टर आर के महाजन ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जो शुक्रवार को मुस्लिम समाज के लोगों को शुक्रवार को जो 90 मिनट की छुट्टी घोषित की है, उसी आधार पर मंगलवार को हिंदू समाज के लोगों को छुट्टी दी जाए। वह ग्रंथियों, पंडितों, इमामों को पेंशन देने की जो घोषणा की थी उसे तुरंत लागू किया जाए। गवर्नमेंट जॉब में है, हमारे मानना कि मंगलवार का दिन उनके लिए शुभ होता है, बजरंग बली की प्रार्थना होती है, हनुमान चालीसा हम लोग करते हैं। तो हमारा इस माननीय सरकार से और उत्तराखंड की जो मुख्यमंत्री है हरीश रावत जी से निवेदन है कि हिंदू समाज की भावनाओं को भी आदर करें और जितने भी कर्मचारी सरकार के हैं उन सबको मंगलवार के दिन कम से कम 2 घंटे का अवकाश तो दें, जिससे कि सब परिवार जाकर अपने वो मंदिर में बजरंग बली के दर्शन कर सकें और अपने हनुमान चालीसा का कंठस्थ कर सकें। इतना हमारा उनसे कहना है। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध और है जो उन्होंने घोषणा की थी कि इमामों को, पंडितों को, ग्रंथियों को जो अनुदान दिया जाएगा या जो पेंशन दी जाएगी उसको भी तुरंत उसकी घोषणा करें, क्योंकि 5 से 6 दिन बाद यहाँ पर आचार संहिता लग जाएगी, फिर इस तरह घोषणा नहीं हो पाएगी और हमारा जो गरीब समाज है